हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब मजे में होंगे और स्वागत है हमारा और एक नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, जो कि आ चुका है। तो वो क्या प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आइए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं वो सामान जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हुआ है। ये है एक मोबाइल होल्डर जो कि बाइक में लगाने के लिए है। तो आइए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं इसमें सामान सही है या नहीं है। देखते हैं इसमें क्या क्या सामान मिलेगा हमको। और ये डब्बा कुछ इस प्रकार है और ये इसमें पैकिंग कुछ ऐसा आया हुआ था। हम इसको साइड में करते हैं और इसको देखते हैं। इसमें चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, समझ में नहीं आएगा। और हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। ये है कुछ सामान, यह है होल्डर और ये इसका टाइट करने वाला, ये रबड़ और ये है जो इसमें लगाते हैं, और कुछ नहीं है, खाली है। ये देख सकते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। और ये पन्नी को हम साइड में कर देते हैं, इस बॉक्स में डाल लेते हैं। और ये है वो होल्डर जो हमको मिला है, इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा। ये हमको 375 रुपये मिला है और इसमें मोबाइल चार्जिंग का व्यवस्था भी ये लगा हुआ है, USB। अब हम इसको बाइक में लगाएंगे और दिखाता हूँ आपको कैसा लगाना है, कैसे क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, अगर आप भी ऐसा प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसको कैसे सेट करना होता है, उसको मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका ये चार्जिंग पोर्ट है, इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ सही है या गलत है। इसमें एक बटन भी दिया हुआ है, ये छोटा सा ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। और मैं इसको डायरेक्ट करके देखूँगा चार्ज होता है या नहीं होता है, इसका पता चल जाएगा। पहले मैं चार्जिंग केबल ले आता हूँ, यह है मोबाइल, इसमें चार्ज होगा कि नहीं देखता हूँ। पहले लगा के ट्राई करते हैं एक दफा। होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तब तो पैसा बर्बाद। तो लगा दिया हूँ, छुआ के देखता हूँ तभी पता चलेगा। ये देख सकते हैं, ये चार्ज होने लग गया है, मतलब सही सही है। अब मैं इसको फिट करता हूँ कि नहीं, ये तार पहुँचेगा कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला 1 मीटर जैसे यहाँ से यहाँ। अब मैं ये 17 नंबर पाना से
ये ऐनक को खोलता हूँ, उसके बाद यहाँ सेट करता हूँ। देखता हूँ सही सही ताना है कि नहीं। ये मैं लगा लिया हूँ, मोबाइल भी इसमें डाल दिया हूँ, देखता हूँ कैसे ऑन करके। हाँ ठीक तो दिख रहा है, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमा देते हैं। हाँ इसे में ठीक रहेगा, ये सब फिट फाट। वायर को देखना पड़ेगा कैसे लगाना है। होल इसमें नहीं जा रहा है तो मैं इसको आने का जुगाड़ बनाता हूँ, जिससे कि दबाए रहेगा और करंट का सप्लाई होते रहेगा। अब हम लगा देते हैं इसको, इसको लगा देते हैं। अब ऐसे और ये लग गया। अब हम देखते हैं इधर चालू है कि नहीं। तो हमारा जो होल्डर है मोबाइल होल्डर लग के तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। मैंने इसका वायर भी सेट कर दिया है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अब मैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, इसको लगा के देखता हूँ चालू होता है या नहीं, क्योंकि मैंने बाकी बैटरी जोड़ दिया है। ये देख सकते हैं चार्ज हो रहा है, मतलब मैंने सही सही जोड़ लिया है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ और एक बार लगा के देखता हूँ। ये देख सकते हैं चार्ज हो रहा है। अब मैं इसको निकाल के रख लेता हूँ, अभी इसका काम जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने इसको 375 रुपये में फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, जो कि काफ़ी अच्छा है, सही है और वैल्यू फॉर मनी भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। और जो भी नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।